ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 19 मई के होने वाले लोकसभा चुनावों में अधिक से अधिक लोग मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे, इसके लिए देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना नाथपा झाकड़ी के प्रबंधक भी सचेत हो गए हैं। SJBN की 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी पवार स्टेशन के महाप्रबंधक क्रामिक एवं मानव संसाधन PS नेगी ने बताया कि परियोजना के हजारों कर्मी अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा ले सके, इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। आने वाले 19 मई के होने वाले लोकसभा चुनावों में अधिक से अधिक लोग मत प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे, इसके लिए देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना नाथपा झाकड़ी के प्रबंधक भी सचेत हो गए हैं। SJVN के 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी पवार स्टेशन के महाप्रबंधक क्रामिक एवं मानव संसाधन PS नेगी ने बताया कि परियोजना के हजारों कर्मी अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लें, इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना के अलावा अपरियोजना क्षेत्र के लोगों को भी मत के महत्व का बारीकी से ज्ञान दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि उनका मत मजबूत एवं स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना में कितना महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो वोट अपने पसंदीदा गतिशील व प्रगतिशील को मत दे, ताकि ऐसा व्यक्ति देश व समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सके। उन्होंने नए मतदाताओं से भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि SJBN ये भी प्रयास करेगा कि कोई विकलांग व बुजुर्ग व्यक्ति मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है तो उसे लाने ले जाने का दायित्व निभाएगी। बात आपकी जायज है कि पूरे भारतवर्ष में चुनाव का एक अभियान चला हुआ है, चुनाव हो रहे हैं, और ये भी सत्य है कि भारतवर्ष जो है वो सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाता है, और जिसमें जो हमारा संविधान है उसका बहुत बड़ा रोल है, वो ही एक समानता का अधिकार जो है हमें देता है, और ये सारे अधिकार के पीछे डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ आगे तभी ले जा सकता है यदि उस व्यक्ति का चयन जो है वो सही व्यक्ति के लिए होता है, और सोसाइटी के लिए कौन भला कैसे कर सकता है, किस आदमी की सोच कैसी है, किसका प्रेशर कैसा है, ये सारी चीज़ें लोग समझते हैं। और मेरा पर्टिकुलरली आग्रह रहेगा जो अभी अभी नए नए वोटर्स बने हैं, जो हमारे युवा हैं, और उनके लिए भी मेरा पर्टिकुलरली आप ये कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट रहेगी, जो असहाय हैं, जो अपंग हैं, और वो लोग जो बुजुर्ग हैं, वो परियोजना में कभी भी उन्हें कोई भी सहायता की आवश्यकता पड़े जाने आने के लिए वो हमसे मांग सकते हैं। और हमारा भी परियोजना का क्या तो महत्व इसमें योगदान तो रहेगा रहेगा। SJBN भी पूरा हमारा यही प्रयास कर रहा है कि लोग जो हैं, सरकार किसकी आनी है ये लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन लोग अपना वोट तो डालें ताकि वो सही आदमी का सही चयन करे, एक कम्युनिटी का भला हो, देश का भला हो, प्रदेश का भला हो, और अल्टीमेटली नेशन का भला तभी हो सकता है यदि हम सही आदमियों को आगे ला सकते हैं।